हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनमीत श्रीवास्तव एंड दिस इज धीरज सर. वी विल टीच यू साइंस इन क्लास 6. सो टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट साइंस सिलेबस ऑफ क्लास 6 CBSE. हम लोग साइंस सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं क्या सर? यस यस. तो हम लोग आज साइंस सब्जेक्ट में बात करेंगे कि आप लोगों का साइंस में कैसे क्या होने वाला है सिलेबस, और किस तरीके से हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, इन सभी बातों पे डिस्कशन होगा. बिकॉज आप सभी जानते हैं कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग अपने डेली लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लोगों का ग्रोथ होता है. हम लोग अगर अपने बॉडी के बारे में ही बोलें तो हम लोग न्यूट्रिशन, खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं, एनर्जी बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, हमारे बॉडी में ब्लड चलता है, एक्सक्रेशन, हम लोग अपने बॉडी से वेस्ट बाहर निकालते हैं, रिप्रोडक्शन ना, ग्रोथ, सेंसिटिविटी, बहुत सारे एक्शन हमारे डेली लाइफ में पर डे होते रहते हैं. सो हम लोग क्लास 6 में बहुत अच्छी तरह से इसे सिलेबस में डिस्कशन करेंगे पहले कि आखिर हम साइंस में हम दोनों आदमी मिलके आपको क्या पढ़ाने वाले हैं. ओके, सबसे पहले हम लोग प्राइस पे डिस्कशन कर लिया जाए कि इसका प्राइस क्या होने वाला है. बाबू, क्लास 6 के अगर रेगुलर प्राइस देखा जाए तो क्लास 6 का रेगुलर प्राइस जो है 2499 रुपीज होता है, मतलब 2500 से 1 रुपए कम होता है. लेकिन अब ये प्राइस नहीं रहेगा बिकॉज ऑफर प्राइस है, और ऑफर प्राइस के रूप में 1 रुपए में आपका जो है कोर्स मिलने वाला है आपको. ओके, तो 1 रुपए का कोर्स का मतलब ये नहीं हुआ कि हम आपसे पैसे लेने वाले हैं, बल्कि हम ये दिखा रहे हैं कि 1 रुपए तो कोई बहुत बड़ा मायने रखता नहीं है. बस ये कोर्स 1 रुपए में दे करके हम लोग आपका एक ट्रस्ट ले रहे हैं कि आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सके कि हम लोग जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं बहुत ऑथेंटिक रूप से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए आप हम पे पहले ट्रस्ट कर सके. ऐसा ना हो कि हम आपसे इतना रुपए फी ले लें, आप कुछ बच्चे दे भी दें और बाद में ऐसी बात हो कि यार हम तो इतना पैसा दे करके फंसे हैं. तो ये आपसे और हमारे बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये काम किया जा रहा है कि आप ये समझो कि हाँ, जो पढ़ा रहा है आदमी वो सही पढ़ा रहा है, हमारे सिलेबस को अच्छे से खत्म कर पाएगा. ओके, और आप भी जानते हैं कि एजुकेशन कितना नेसेसरी है आज के लाइफ में, बहुत जरूरी है बाबू. तो सबसे पहले हम लोग साइंस में थोड़ा सा डिस्कशन कर ले बिना देर किए हुए. और रही बात, तो ये प्राइस चेंज भी हो सकता है. अगर आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चले जाइए कोर्स में, लाइवस्मिथ ऐप पे चले जाइए, उसको ओपन कीजिए, इस कोर्स को परचेज कर लीजिए. क्या पता कब प्राइस अप डाउन हो जाए ना. क्या पता कब प्राइस अप डाउन हो जाए जी. तो इसी कारण से चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग आगे सिलेबस पे डिस्कशन कर लेते हैं. ओके, सबसे पहले यहां पर जो चैप्टर आता है, इट्स नेम इज फूड. फूड फ्रॉम वेयर डज इट कम, फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहां से आया हुआ है, फूड के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. फूड जो होगा ये हमारा चैप्टर होगा, ये बायो का चैप्टर है, और इसमें आपको बताया जाएगा कि फूड क्या है. बिकॉज आप भी जानते हैं कि बिना फूड के हमारा लाइफ नहीं चल पाएगा. फूड कहां से आता है, फूड के कौन कौन से सोर्सेज हैं, फूड में जो है, मान के चलिए अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट सोर्सेज के बारे में, वेज सोर्सेज के बारे में, तो प्लांट्स हम लोग खाएंगे जिसमें हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, बहुत सारी चीजें. कुछ इसमें एनिमल सोर्सेज भी होते हैं, एनिमल सोर्सेज भी होते हैं, नॉन वेज में चला जाए ना, तो एनिमल सोर्सेज में एग्स होते हैं, फिर देखा जाए तो उसमें मीट होता है, यस और नो, तो ये सभी चीजों को हम लोग लेते हैं. तो फूड के अलग अलग सोर्सेज होते हैं. ये सेकेंड चैप्टर हम बात कर रहे हैं, इसमें कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बात किया जाएगा. कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, ये भी बायो का चैप्टर होने वाला है, और इसमें हम बात करेंगे फूड के कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं. इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया जाएगा, मिनरल्स के बारे में बताया जाएगा, प्रोटीन्स के बारे में बताया जाएगा, फैट्स, लिपिड्स के बारे में बताया जाएगा कि ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं, कौन कौन से पार्ट है, आखिर हम खाना बदल बदल के क्यों खाते हैं, इन सभी टॉपिक्स पे भी हम लोग बात करेंगे. ओके, फिर थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक में होने वाला है. क्या होने वाला सर इसमें? फाइबर टू फैब्रिक्स में, जैसे कि बच्चों हम लोग फाइबर टू फैब्रिक्स में यूं समझो, एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए, जैसे मैं जो टी-शर्ट पहना हुआ हूं, आप जो कपड़े पहने हुए, ये फाइबर से बना हुआ है. यानी फाइबर टू फैब्रिक्स में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्लॉथ है, रोप है, ये कैसे बने हैं, इनका फॉर्मेशन कहां से आया है, जैसे कि नेचुरल रूप से भी पाए जाते हैं,
और सिंथेटिक रूप से यानी मैनमेड भी बनाए जाते हैं फाइबर से। फाइबर हम लोग अगर कॉटन ऑटन के बारे में जाना तो इसी में पढ़ना है, इसी में पढ़ना है। कॉटन के बारे में हम लोग को जानना है तो जैसे सिंपल हम लोग रस्सी का जो यूज करते हैं वो भी इसी में पढ़ना है, फाइबर टू फैब्रिक्स, फैब्रिक्स में पढ़ना है। फोर्थ जो चैप्टर होने वाला है ये शॉर्टनिंग द मटेरियल्स एंड ग्रुप्स, ये हमारे ख्याल से इसमें यही ना पढ़ना है कि कैसे मटेरियल अराउंड अस में जो भी मटेरियल्स थी थे उनको सॉर्टिंग करना, उनको हार्डनेस के आधार पे, उसके सॉफ्टनेस के बेसिस पे, उनके चमक के बेसिस पे, इसके बेसिस पे हम लोग को देखना है कि मटेरियल कैसे है। जैसे घरों में हमारे डेली लाइफ में ऐसी चीजें मिल जाती है जैसे खिड़की का जो लोहे का जो यूज किया जाता है वो भी एक मटेरियल्स है, वहां वुड भी एक मटेरियल्स है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे इसी तरह से सॉर्टिंग चीजों के बारे में हम लोग मीन्स जनरली लाइफ में हम लोग जनरल डेली लाइफ में जो भी चीजों को यूज करते हैं उनको हम लोग शॉर्टलाइज कर शॉर्टलाइज। जैसे कि एक और आता है उन्हीं से रिलेटेड, जैसे वुड के अलावा घर में जो यूज होता है बर्तन जो यूज होते हैं पॉट्स जो यूज होते हैं स्टील के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन इन सब चीजों को साइनिंग में अंतर आता है सर। आप देखना है कि हम लोग जब देखते हैं तो स्टील के बर्तन की साइनिंग कुछ और होती है और एल्युमिनियम के बर्तन की साइनिंग कुछ और होती है, ये चीज हम लोग इस सॉर्टिंग मटेरियल्स में एंड ग्रुप्स में पढ़ेंगे। जी जी जी। अब चैप्टर नंबर 5 आता है, यहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे। सेपरेशन का मतलब हमारे ख्याल से ये हो जाता है कि इसमें हम प्योर और इम्प्योर मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आखिर अगर इम्प्योर है तो उसे हमें कैसे सेपरेट करेंगे। जैसे अगर वाटर के साथ में सॉल्ट है, आपने सुना होगा ना कि जो ये सॉल्ट होता है जो हम लोग कॉमन सॉल्ट अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं ये सॉल्ट ओशन से निकाला जाता है, ओशन से निकाला जाता है, सी से समुद्र से निकाला जाता है। क्या किया जाता है कि समुद्र में बहुत बड़े सैलो पूल्स बनाए जाते हैं, सैलो पूल समझते हैं, बड़ा बड़ा मेड डाल के ना, बड़ा बड़ा मेड डाल के बाउंड्री डाल के ना ऐसे ऐसे इसमें पानी भर दिया जाता है और फिर क्या किया जाता है जब सनलाइट आता है तो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है और इवेपोरेशन तो सिर्फ वाटर का होगा क्या सर, और नीचे नमक बच जाएगा, जो हार्ड सब्सटेंस होगा वो बच जाएगा, नीचे बच जाएगा, जो भारी होंगे हेवी सब्सटेंस नीचे बच जाएंगे और उन्हीं को फिर सेपरेट कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा। मतलब आप ये समझ लो कि इम्प्योर मैटर को प्योर मैटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इनके बारे में हमें पढ़ना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। अलग अलग प्रोसेस होगा, फिल्ट्रेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, क्रोमेटोग्राफी होगा, बहुत सारे प्रोसेस इसमें मिलने वाले हैं। फिर क्लास सॉरी चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं चेंजेस अराउंड अस, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं सर हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं हमारे आस पास में जो चेंजिंग आ रही है जो केमिकली रूप से या फिजिकली रूप से जो भी चेंजिंग हो रही है उसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि अराउंड्स में हम लोग घूम रहे हैं तो क्लाइमेट्स वगैरह की जो चेंजिंग आ रही है, अदर थिंग्स में जो चेंजिंग आ रही है इसके बारे में हम लोग को चेंजेस अराउंड अस में हमें पढ़ना है। मतलब ये हम कह सकते हैं क्या कि इसमें हम लोग एडेप्टेशन के बारे में जानने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, एडेप्टेशन माइग्रेट के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हाँ, 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 कि कैसे माइग्रेटरी बर्ड्स दूसरे साइबेरियन बर्ड्स हैं जो हमारे यहाँ आते हैं, राजस्थान में आते हैं। जी जी, राजस्थान साइबेरियन कितने हजार किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके, 5 से 6 हजार किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके सोचिए, साइबेरिया से वो राजस्थान तक चले जाते हैं जो रशिया का एक हिस्सा है। बताइए, साइबेरिया जो है, साइबेरियन पार्ट जो है रशिया का एक हिस्सा है जो कि हमारे यहाँ जो है राजस्थान में आते हैं, वो भी ठंडी के सीजन में, क्योंकि वहां पे कोल्ड क्लाइमेट बहुत ज्यादा होता है तो वो एडप्ट नहीं कर पाते, इसलिए अपने को सरवाइव रखने के लिए वो राजस्थान में चले जाते हैं माइग्रेट होकर। चैप्टर नंबर 7 जो ये भीड़ से बायोलॉजी का चैप्टर है, गेटिंग टू नो अबाउट द प्लांट्स है, हम इस पर प्लांट के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे कि प्लांट्स होते क्या हैं, प्लांट के लीफ के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के रूट के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, उसके फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, उसके फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। पढ़ेंगे हम लोग की वो ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन कैसे रिलीज करते हैं, जो कि बच्चे बचपन में जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है हम लोग को पेड़ पौधे में, ये चीज शायद इसी चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस हम लोग इसमें करेंगे कि जो लीफ पढ़ाएंगे तो लीफ में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन कैसे देता है, फूड कैसे, काफी इंटरेस्टेड होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। यानी सर इसमें सर एक खुद भी भोजन बनाएंगे और फिर बताएंगे कि ये कैसे जो है हम लोग कैसे हेल्प कर रहे हैं, कैसे बिकॉज एनिमल्स के पास तो क्लोरोफिल है नहीं कि वो अपना खाना बनाएंगे। चैप्टर नंबर 8 जो होते हैं वाला ये बॉडी मूवमेंट से बारे में होने वाला है, बॉडी मूवमेंट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें 3 चीजों पे अपन स्टडी करेंगे। पहला होगा मसल्स के बारे में कि हमारे मसल्स कैसे वर्क करते हैं, दूसरा होगा हमारे स्केलेटन के बारे में, हमारे बोन्स कैसे होते हैं, कार्टिलेज क्या होता है, और थर्ड होगा हमारे ज्वाइंट्स के बारे में। जैसे मान के चलिए कि हम यहां पर मूव कर रहे हैं, हम अपने हाथों को मूव कर रहे हैं, तो आखिर इस मूवमेंट में हमें किस तरीके से हमारी बॉडी हमें हेल्प कर रही है,
ओके, हम इस चीज पे स्टडी करेंगे। ये भी बायो का चैप्टर होने वाला है। सर मतलब कि जब बच्चे जब लिख रहे होंगे अपने हाथों से, उसके बारे में बताया जाएगा कि वो कैसे हमारे बॉडी में एक्टिवेशन हो रहा है, एक्शन कैसे हो रहा है, कैसे एक्शन हो रहा है, इसी चैप्टर में होगा। बॉडी मूवमेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, मींस ब्रेन जो है कैसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे बच्चे सोच रहे हैं कि यार हमें तो साइंस लिखना है, SCIENCE, और हम देख रहे हैं उसने सोचा और उसी को हाथ में लिख दिया। यानी वो उसने ऐसे सोचा तो ऐसे ही लिखा। तो ऐसा हम लोग पढ़ेंगे बॉडी मूवमेंट्स में कि हमारा जो है मेंटली रूप से कितने स्ट्रॉन्ग रह रहे हैं और फिर एक्शन कैसा हो रहा है हमारा, और हमारे ब्रेन का हमारे हाथ के साथ एक तगड़ा सा कोऑर्डिनेशन कैसे बना हुआ है, इस सब पे स्टडी करेंगे। 9 नंबर जो चैप्टर होने वाला हम लोग का, दिस इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। इसमें क्या पढ़ा जाए सर? इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में हमारे सराउंडिंग के बारे में जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थिंग्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या नीड्स है, उसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आ जाते हैं। जैसे एनिमल्स जो है प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है, इन सब सारी चीजों को जो है इसके अराउंड और इसके सराउंडिंग्स में हमें पढ़ना है। जी मतलब मान लीजिए हम लोग इसमें भी एक तरह से देखा जाए तो इसका हल्का सा रूप देखने को मिल सकता है। इसका एडेप्टेशन का रूप देखने को, लिविंग थिंग्स है उसके सराउंड में। जैसे मान लीजिए हम जो है बिहार में रह रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर अप डाउन होते रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन हमको किसी कोई उठा के लद्दाख में भेज दे, जम्मू एंड कश्मीर में भेज दे, तो वहां पर तो स्टार्टिंग में हमें दिक्कत हो सकती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी सर, क्योंकि वहां पे ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है और यहाँ पे जो है हर मौसम लगभग चेंजिंग होते रहता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होते हैं, लेकिन वहां पे एक समान मौसम है, यानी बहुत ज्यादा ठंडी नहीं तो थोड़ी सी ठंडी, और हम लोग यहाँ पे तो गर्मी भी 40 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर बिताया जाता है जी सर, बहुत ज्यादा। फिर लास्टली हम लोग 10 नंबर जो चैप्टर आ रहा है, ये मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाबू ये जो चैप्टर है ना मोशन, ये इस क्लास 7th में भी कॉपी होगा, क्लास 9th में भी कॉपी होगा, है ना, इसके कुछ पार्ट्स आपको 8 में भी देखने को मिलेंगे थोड़े बहुत। तो मोशन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मोशन में हम पढ़ेंगे कि कोई भी चीज टाइम के साथ अपने पोजिशन को कैसे चेंज करता है। मान के चलिए कि अभी हम यहाँ पे हैं और थोड़ा देर समय बीतते चला गया, हम यहाँ आ गए, थोड़ा सा और समय बीता, हम बोर्ड के बीच में आ गए, तो टाइम के साथ में हमारा पोजीशन चेंज हुआ ना, टाइम के साथ हमारा पोजीशन चेंज हुआ। लेकिन अगर हम अभी यहां पे खड़े हो जाएं, ऐसे अभी 1 सेकंड बीत गया, 2 सेकंड बीत गया, 5 सेकंड बीत गया, 10 सेकंड बीत गया, हमारा पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है, मतलब हम मोशन में नहीं है। तो रेस्ट और मोशन दो चीजों पर स्टडी करें। आप रेस्ट में, यानी बच्चे जो आप बैठ के जो इस वीडियो को अभी देख रहे हो, इट मींस कि आप रेस्ट में, और हम यहाँ पे जो मूवमेंट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द मोशन, हम लोग मोशन में, हम लोग मोशन में आ गए। जी 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 जी। चलिए 11 नंबर जो चैप्टर है वो लाल है, ये लाइट के बारे में, शैडो के बारे में और रिफ्लेक्शंस के बारे में, तीन चीज मेन तो इसमें लाइट है। लाइट में क्या पढ़ा जाए सर? लाइट में हमें पढ़ना क्या है कि जो लाइट जो जनरेट कहाँ से होता है, यानी हमारे पास लाइट जैसे कि अभी बल्ब से जो जनरेट होता है, दिन में जो है सनलाइट्स आते हैं, तो ये जनरेट कहाँ से होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर इनका जो है इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे बॉडीज पे, हम बच्चे जो जैसे हमें देख रहे हैं तो ड्यू टू किसके कारण देख रहे हैं सर? लाइट के कारण। लाइट के कारण अगर ये बल्ब ग्लो नहीं करता तो हम दिख ही नहीं पाते, तो इसलिए लाइट का इसी सबसे बड़ा यूजेज है कि पहले सोर्सेस को जानना कि लाइट कहाँ से आता है, फिर दूसरी चीजों को जानना कि इसका यूजेस क्या, अगर ये नहीं होता तो क्या होता। जी, और ये भी हो सकता है कि जैसे लाइट मान लीजिए आ रहा है, जैसे हम लोग का शेडो नहीं बन रहा क्योंकि चारों तरफ से लाइट जल रहा है, या। लेकिन अगर लाइट के सामने हम लोग खड़े, जैसे दिन के समय में अगर सनलाइट के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो हम लोग का शेडो बनने लगता है, और वही अगर हम लोग जब आईने में देखते हैं, मिरर में अपने आप को देखते हैं, तो वहां पर जो दिखता है वो हम लोग का शेडो नहीं होता, शेडो नहीं, वहां रिफ्लेक्शन। सर तो मुझे याद आ रहा है कि बचपन की वो कहानी शायद आपने सुना होगा, बच्चों को मैं बाद में शेयर कर दूंगा, जिसमें एक शेडो बनता है और एक इंसान जो है डर डर जाता है, और जैसे जैसे इवनिंग आती है एट नाइट तक आप समझ रहे होंगे सर आपको ड्यू टू वो शैडो ही था, बताइए तो सनलाइट में तो शैडो बना वो डर गया, शाम को शैडो गायब हो गया, गायब हो गया। तो इंटरेस्टेड कहानी चैप्टर्स के दौरान बच्चों को बताया जाएगा कि कैसे एक शैडो के कारण एक इंसान जो है डरता है, उसके बाद से फिर आता है रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, भाई इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप एक खुद सोच लो कि अभी आप लोग मोबाइल, जिस मोबाइल में, जिस लैपटॉप में, जिस कंप्यूटर में पढ़ रहे हो, वो खुद इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट हो रहा है। एकदम सर, इलेक्ट्रिसिटी आज हर फील्ड में इसका जरूरत पड़ रहा है। यहाँ हम पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये माइक वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ये रिमोट वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इवन मेडिकल फील्ड में देखिए, आईसीयू में देखिए, होइएगा सर, जब लोग बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं तो आईसीयू में उनको भर्ती किया जाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, बहुत ज्यादा वहां पे ख्याल रखा जाता है, इसलिए उसको इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं, आईसीयू। वहां का हर एक मशीन ना इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा होता है। आप ये सोच लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी देर के लिए अगर डाउन हो जाए तो हमको लगता है कई लोगों का डेथ हो सकता है,
सो वी कैन से इवन आजकल देखिए, पहले लोग क्या होता था कि गर्मी के दिन में बस पंखा झल रहे हैं, गर्मी में पूरा गर्मी झेल रहे हैं, ऐसे पसीने हाँ, हाँ। अपने बिहार में खुद ऐसा था, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, एसी इलेक्ट्रिसिटी तो बड़ा एक अलग ही लेवल का चीज है यहाँ पे, जो कि फैन से हमें राह देता है। जो कि फैन क्या होता है कि साउंड इंक्रीज करता है, जबकि जो एसी होता है इसमें साउंड साउंडलेस होता है, जिसके कारण हमें पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में मजा आता है। नेक्स्ट जो चैप्टर वाला 13 नंबर चैप्टर, फन विथ मैग्नेट। आई होप आपको याद होगा कि मैग्नेट चैप्टर में एक कहानी बहुत सुंदर होता है, शेफर्ड वाला, मैग्नेस वाला, या। कि वो भेड़ों को चराने लेकर के जाता है, उसका जो डंडा रहता है ना, वो जो लाठी लेकर के घूमते हैं, वो लेकर के जाता है, वो एक जगह पे स्टोन बड़ा सा पत्थर रखा रहता है, उसी पे रख देता है, बाद में जब वहां से उठता है तो उसमें चिपक जाता है। अब वो सोच रहा है कि आखिर लगभग पत्थर जो है ना, ये लगभग लगता है ये लोहा का आने वाला पत्थर है ना, तो वो लोग उसको समझने लगते हैं, वो आखिर उसको पूजने लगते हैं कि लगता है ये कोई देवी देवता है, कोई गॉड है, जिनको आयरन लोहा इनको अच्छा लगता है। बाद में पता चलता है कि वो क्या था, मैग्नेट था। 14 नंबर चैप्टर में हम लोग वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको कई बार हमने बोला होगा वाटर जल, जल है तो कल है, नहीं नहीं जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, इफ देयर इज वाटर देयर इज टुमारो देयर इज लाइफ। जल को आप देखिए, वाटर को आप देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग एक दो दिन तक अगर पानी ना पिए तो हम लोग पूरी तरह से समझिए कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जितना ज्यादा हम लोग काम करते हैं उतने ही ज्यादा हम लोग को वाटर की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारे बॉडी में जो एटीपी है वो टूट के एनर्जी को जनरेट कर सके। तो ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, एकदम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। और 15 नंबर चैप्टर एयर अराउंड अस, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या सर, एकदम बहुत ज्यादा, इसके बिना तो कुछ सब कुछ अधूरा है, सब कुछ अधूरा है, क्योंकि वाटर वाटर से इंपोर्टेंट एयर है, क्योंकि वाटर बातें कर रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन जा रहा है जी, तो बच्चों को हम लोग पहले चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। सही बात है, अगर वाटर ना हो तो थोड़ा बहुत मान सकते हैं 5-6-10 घंटा हाँ, 20 घंटा, लेकिन ये ना रहे तो पाशा होता है। सर हमारे यहाँ बिहार में छठ पूजा होता है, तीज होता है, इसमें तो औरतें जो है 12 से लेके 24 घंटे तक जो है बिना पानी पिए रहते, फास्टिंग में रहते हैं, फास्टिंग में वो चल जाएगा, लेकिन एयर के बिना नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब कोई बोले कि बिना एयर का फास्टिंग दो, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। एंड द लास्ट वन इज 16 नंबर चैप्टर, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। आप सब भी ये बात जानते होंगे, दिल्ली का जो प्रॉब्लम अभी है बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ, कचरा का प्रॉब्लम, बहुत वेस्ट मैनेजमेंट, वहां कचरे के पहाड़ बन चुके हैं। पता चल रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट वहां पर ठीक से नहीं हो पा रहा है, और धीरे धीरे करके वहां बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं। अभी तो रोड विभाग वाले सुनने में आ रहा है कि उसी कचरे को क्या कर रहे हैं, रोड्स के नीचे डाल रहे हैं, ताकि कहीं तो उसकी खपत की जा सके, डंपिंग कर करके उसको यूज किया जा रहा है। तो गार्बेज आज के लाइफ का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो हम किस तरीके से गार्बेज का मैनेजमेंट कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक का रिसाइकल कर सकते हैं, रबड़ कर सकते हैं। पहले पता है सर, जब हम लोग छोटे थे तो उस समय में घर में हॉर्लिक्स का डब्बा आता था, उसको जब खाली कर दिया जाता था उसी में चीनी रखने के लिए यूज कर दिया जाता था, मसाले रखने के लिए यूज कर दिए जाते थे, रिसाइकलिंग इसी को तो बोलते हैं, रीयूज कहते हैं, सॉरी रीयूज कर देंगे। और वही हम लोग कॉपी किताब जिससे पढ़ लेते हैं, इनको हम लोग फेंक देते हैं, फेंकने से अच्छा हम लोग इसको सेल कर दें अगर, हाँ। तो ले जाके इसको रिसाइकल करके दोबारा से कॉपी किताब बनाए जा सकते हैं क्या। तो इसीलिए हम लोग ये कहेंगे कि इस चैप्टर में बहुत मजा आने इंटरेस्टेड है, और हमारे लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, हमको मतलब कि अपने एनवायरमेंट को बचाना है, पॉल्यूशन फ्री करना है, तो इसके लिए गार्बेज इन और गार्बेज आउट चैप्टर को पूरी ढंग से स्टडी करना होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको देखने में यहाँ पर 16 चैप्टर्स पढ़ने को मिल रहे होंगे, लेकिन डोंट वरी, आपके एनसीईआरटी में इतने चैप्टर्स नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन बात यह है ना कि कभी एनसीईआरटी कहती है ये चैप्टर पढ़ाओ, इस चैप्टर को रिमूव करो, कभी कहती है इसको पढ़ाओ, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है हमको लगता है, ऐसा लग रहा है ना आपको, गवर्नमेंट की पॉलिसी, जब चाहे जिसको अलाउ कर दिए, जब चाहे जिसको रिमूव कर दिए। कुछ साल पहले तक सारे टॉपिक्स थे, हम आपको बता रहे हैं, आज सुबह में जब हम इसको बना रहे थे तो हमने सोचा कि यार कितने चैप्टर्स पढ़ाने हैं, इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, कोई वेबसाइट कर रहा है 12 चैप्टर पढ़ना, कोई बोल रहा है 11 चैप्टर, कोई बोल रहा है सब चैप्टर पढ़ाना है, यानी कंफ्यूजन क्रिएट कर, पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो हम सोचे कि यार सबको पढ़ा देते हैं, बच्चों को यूज वाला, अगर गवर्नमेंट ने इसको डाला हुआ था कभी भी चैप्टर को तो जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा नीड के हिसाब से डाला होगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट को लगता है ना कि ये चीज हटा देंगे तो काम, ऐसा नहीं होता, काम चलाने के लिए पढ़ाई नहीं होती है, जीवन को दौड़ाना है तब। तो इसीलिए हम लोग सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, और बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, मजे लेकर के पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, एग्जाम्पल्स के हेल्प से, वीडियोज के हेल्प से,
कहानियों के हेल्प से हर तरह से स्टडी किया जाएगा, क्या सर? एकदम, जैसा लगेगा कि हम डेली लाइफ में जो चीज कर रहे हैं ना, वही चीज आपको साइंस में यहाँ पे सिक्स क्लास में दिखेगा। यानी इस चैप्टर के हिसाब से, इस लेवल के हिसाब से आपको चलेंगे कि बच्चों आपको समझ में आएगा जी। तो ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अब मिलेंगे डायरेक्ट चैप्टर के साथ में, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा फूड, उसी के साथ हम लोग मिलेंगे। ओके तो नेक्स्ट क्लास, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपना आईडी तैयार कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और इस वाले कोर्स को ₹1 में अभी मिल रहा है, परचेज कर लीजिए, बिकॉज बाद में बहुत फायदा होने वाला है। एक रेगुलर बेसिस पर आपको साइंस, मैथ, इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट्स की जानकारी मिल सकती है। ओके सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं चैप्टर के साथ। सर लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये तो आप सिर्फ कह रहे हैं ₹1, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तो 25 पैसे वाला है। हाँ ये तो कहा जा सकता है, क्योंकि 2-3-4 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, चार सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, हम तो सिक्स क्लास में चार बच्चों, सर ने सही बोला है कि ₹1 में इसका ले लेना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, लेकिन उसमें चार सब्जेक्ट्स है। यहाँ पे 25 पैसे में 16 टॉपिक्स पढ़ने, पूरे 16 चैप्टर्स पढ़ने, और देखा जाए वो बात ये नहीं है, अभी साइंस का सिर्फ पोर्शन देखा जाए तो 25 पैसा हो गया। हाँ 25 पैसे, 25 पैसे में 16 चैप्टर, 25 पैसे में 16 चैप्टर, मतलब एक चैप्टर के लिए लगभग 1.5 पैसा लग रहा है। 1.5 पैसा लगभग, उससे भी कम ही लगेगा, नियर अबाउट में ले सकते हैं बच्चे, इससे सस्ता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये कोई प्राइस नहीं है, ये बस आपका हमारे साथ एक ट्रस्ट बनेगा और कुछ नहीं, आपको हमारे ऊपर विश्वास तो हो पहले कि हम लोग भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, बाकी देख लिया जाएगा यार समय के साथ। ओके देन मिलते हैं हम लोग चैप्टर के साथ, थैंक यू।